भाइयों और बहनों, दीदी को पश्चिम बंगाल के सामान्य मानवी की जरा भी चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता का अहंकार है। वो भारत के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते वो थकती नहीं है। वो बंगाल के बच्चों को, बंगाल की बेटियों को बात बात पर जेल में ठूस देती है, लेकिन घुसपैठियों और तस्करों को उन्होंने खुली छूट दे रही है। दीदी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं, उन्हें फांसी पर लटका देते हैं, लेकिन दीदी ऐसा करने वालों को और ज्यादा आगे बढ़ाती है। आखिर किस दिशा में बंगाल को वो ले जाना चाह रही है?